हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार शपथ लेते हुए। खट्टर 2.0 हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी है और कहा जा सकता है कि कमल की सत्ता का रास्ता चाबी के जरिए खुला है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के तौर पर हरियाणा की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और अब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की शपथ ले। महज 10 महीने के अंदर जेजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया और 10 महीने के कार्यकाल में 10 विधायक जेजेपी के जीत कर आए, किसी को अंदाजा नहीं था कि जेजेपी इस तरीके से परफॉर्म करेगी। लेकिन न सिर्फ परफॉर्म किया, 10 विधायक जीते, बल्कि हरियाणा की राजनीति और सरकार में अहम भूमिका भी निभाने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला शपथ लेते हुए। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता पराक्रमता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय राज्य उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करूंगा उपेक्षित हो, अन्यथा अवस्थ में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुशोषित या प्रकट नहीं करूंगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली है और अब वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बन गए।